हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं एंड क्या वे है आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगन क्या होता है। सो पॉलीगन की डेफिनेशन है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल होना चाहिए, दैट मीन्स लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एंड क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए और इस केस में मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, उसको कहते हैं पॉलीगन। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट आप जानते हैं जिनकी फिक्स होती है डिस्टेंस। ओके, अगर आपने दोनों तरफ पॉइंट लगा दिया, दैट मीन्स उसको एक तरह से मेजर कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स पता होते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलीगन बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट्स लेनी है, उनको ज्वाइन करना है। जहां पर वो ज्वाइन होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं, और जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो उस फिगर की मीन्स उस पॉलीगन की एज कहलाती है। ओके, तो आप नेमिंग कैसे देते हैं पॉलीगन्स को, पहले ये बताते हैं। नंबर ऑफ साइड्स को देखकर नाम दिया जाता है। अगर 3 साइड्स हैं किसी पॉलीगन में तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल। मैं डायग्राम भी बना देती हूँ सैम्पल फिगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द नंबर ऑफ साइड इज 3। ठीक है, 3 साइड्स हैं तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन 3 साइड्स से मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये मिल जाएगा ट्रायंगल। अब 4 साइड्स हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स हैं तो उनको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल। इस तरह से इक्वल हो सकती हैं, अनइक्वल हो सकती हैं साइड्स, लेकिन 4 साइड्स हैं उनको ज्वाइन कर रहे हैं, क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व बना रहे हैं, तो वो जो 4 साइडेड फिगर है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, और 5 साइड्स फिगर होता है पेंटागन। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6 साइडेड फिगर क्यों हम कहते हैं हेक्सागन। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 7 साइड्स फिगर्स को हेप्टागन बोलते हैं। इसको ड्रॉ करना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। 7 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करना है इन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर 8 साइडेड फिगर को कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो दिस इज एन ऑक्टागन। फिर 9 साइडेड फिगर को बोलते हैं नोनागन। नोनागन, सो 9 साइडेड फिगर बनाना है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ये आपका हो गया 9 साइडेड फिगर विच इज कॉल्ड नोनागन। फिर है 10 साइडेड फिगर, दैट इज डेकागन। सो डेकागन बनाने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये आपका बन गया 10 साइडेड फिगर विच इज कॉल्ड डेकागन। ओके, सो दिस इज अ डेकागन। इसी तरह से आप 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए बना सकते हैं। अगर नेम नहीं पता है तो एनगॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जनरल लिख दिया है। अगर एन नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसको हम कहेंगे एनगॉन। ठीक है, सो ये है तरीका आपको पॉलीगन्स को क्लासिफाई करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सो रेगुलर पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल, दीज आर द टर्म्स। ठीक है, इन टर्म का मतलब क्या है, इक्विएंगुलर मतलब एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स जिस पॉलीगन के इक्वल होते हैं उसको कहते हैं इक्वी एंगुलर। एंगल से बना है और इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वल एंगल्स। फिर नेक्स्ट है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मीनिंग होता है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो जब ये दोनों कंडीशन किसी पॉलीगन में होती हैं तो उस पॉलीगन को कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ओके,
सो आपको याद क्या करना है कि रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें दो कंडीशंस हो, इक्विएंगुलर मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्विलेटरल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, फिगर्स बनाए हैं, इन्हीं में जो ये मैंने साइड्स लिए हैं अनइक्वल लिए हैं, आप इक्वल ले लीजिए, इक्वल साइड्स ले लेंगे और इक्वल एंगल, तो आपको मिल जाएगा रेगुलर। तो आप रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन सब आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स जो है जितनी भी है उनकी लेंथ इक्वल लेनी है। ओके, ईच साइड शुड हैव इक्वल लेंथ, तब आपका वो जो पॉलीगन है दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ओके, सो रेगुलर पॉलीगन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपने जो साइड्स ली हैं उनकी लेंथ इक्वल हो। जैसे अगर मैं बात करूं पेंटागन की, ओके, तो अगर मेरे को रेगुलर पेंटागन बनाना है तो मुझे क्या करना है, ये जो मैं साइड्स ले रही हूं, फाइव साइड्स होती हैं पेंटागन में, ये पांचों साइड मुझे क्या लेनी है, इक्वल। तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, इसका मतलब होता है कि साइड्स आर इक्वल, सो आपका एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये एंगल है, फाइव एंगल्स भी होंगे, फाइव साइड्स भी होंगी पेंटागन में, फाइव एंगल्स इक्वल है, फाइव साइड्स इक्वल है, सो दिस पेंटागन इज कॉल्ड रेगुलर पेंटागन। तो ये एग्जांपल हो गया रेगुलर पॉलीगन का फॉर रेगुलर पेंटागन। इसके बाद बात करें हम डायगोनल्स की, डायगोनल्स क्या होते हैं, सो डायगोनल्स आर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स होती हैं, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना है बाय अ लाइन सेगमेंट। तो मैंने नॉन कॉन्जिक्यूटिव बोला, इसका मतलब क्या होता है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस जो होती हैं वो अगल बगल होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट होती हैं। जैसे मैं इस फिगर की बात करूं तो वर्टेक्स एस, वर्टेक्स पी, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, ठीक है, अगल बगल में है। और नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगल बगल ना हो, एडजेसेंट ना हो, तो आप पी ले लीजिए और आर ले लीजिए, तो ये क्या है, अपोजिट, ठीक है, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव, ये हमारा इधर अपोजिट हो रहा है भाई। कई बार हमने अगर ये डायग्राम लिया, दिस इज पेंटागन, तो आप देख सकते हैं कि डी और ई ये कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, तो इधर पे हम डायगोनल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, डी सी ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन डी और ए ले लीजिए, डी और बी, तो ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, और इनको ज्वाइन करें बाय अ लाइन सेगमेंट, जैसे हमने डी टू ए ज्वाइन कर दिया एंड डी से बी ज्वाइन कर दिया, सो दीज आर डायगोनल्स। ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है डी ए डी बी, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स, ठीक है। इसी तरह से आपने अभी डी लिया वर्टेक्स, अब आप सी वर्टेक्स का देखिए, सी के साथ डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, सी के साथ बी कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा जो वर्टेक्स है वो नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे, मतलब सी ई, तो ये डायगोनल आ जाएगा, और सी ए ये डायगोनल आ जाएगा, ठीक है, ये डायगोनल बन गए। अब हम बी को देख लें, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, इनको छोड़ के डी और ई ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, किसके साथ, बी के साथ, तो आप ज्वाइन कर दीजिए। देखिए बी और डी ऑलरेडी ज्वाइन है, तो हमें क्या ज्वाइन करना है, सिर्फ बी और ई, जो एक बार ज्वाइन हो चुका है उस डायगोनल को बार बार नहीं ड्रॉ करना है। फिर हम ए से देखते हैं, ए से चेक करते हैं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है सी और डी, देखिए ए सी भी ज्वाइन है, ए डी भी ज्वाइन है, मीन्स ये हो बन गए हैं आपके डायगोनल्स। अब ई चेक कर लेते हैं, लास्ट बचा है ई के साथ बी को चेक करेंगे, बिकॉज ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी ड्रॉ किया हुआ है, ई सी भी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब मैंने सारे डायगोनल्स उस पेंटागन में ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं काउंट करूं तो दिस इज 1 2 3 4 5, फाइव डायगोनल्स हैं पेंटागन में, ठीक है, फाइव डायगोनल्स हैं पेंटागन में। और अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, इसमें अगर हम देखेंगे तो पी क्यू तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो ये ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, पी एस नहीं हो सकता है, पी आर हो जाएगा, तो ये आपने एक डायगोनल बना दिया, और दूसरा डायगोनल हो गया एस क्यू, तो बताइए इसमें कितने डायगोनल हो गए, टू,
ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मिले 2, ठीक है। कितने मिल गए? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 2, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए। पेंटागन के लिए हमने देखा नंबर ऑफ डायगोनल्स है आपके 5, ओके। तो ये तो आपने निकाल लिया, जब आपको दिया है कि 5 साइडेड फिगर पेंटागन बनाइए, उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, तो इजी है, ठीक है। 10 तक आप बना पाएंगे सिंपल। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया गया है नंबर, मींस आपको 15 गॉन दे दिया गया है, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड 15 है, और बताइए कि हाउ मेनी डायगोनल्स 15 साइडेड फिगर पॉलीगन हैव, मतलब कितनी डायगोनल्स बना सकते हैं जिस पॉलीगन में 15 साइड्स हैं, तो उसको बनाकर चेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला, इससे आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो इसीलिए मैंने लिखा है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन एनगॉन, मतलब जो पॉलीगन मैंने लिया है दैट शुड हैव एन साइड्स, ठीक है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है? एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन में जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन हो। जैसे मैं इसी में कर लेती हूँ, नंबर ऑफ साइड्स 5 है, ठीक है, तो यहाँ 5 डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला? 5 माइनस 3 बाई 2, सो दिस इज 5 इंटू 2 अपॉन 2, सो दिस इज 5 आ गया, सिंपल है, ओके। आप, मैं 15 का पूछ रही थी, तो 15 का अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 15 गॉन, या फिर आप लिख सकते हैं इन अ पॉलीगन हैविंग साइड 15, तो उसमें क्या होगा? 15 माइनस 3 बाई 2, ओके, सो दिस इज 15 एंड दिस इज 12 बाई 2, 2 6 आर 12, सो 90, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स 90 बन सकते हैं। तो ये बना के बताना इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आप ये फॉर्मूला लर्न करिए, दिस इज वेरी सिंपल, एन एन माइनस 3 बाई 2। अब हम बात करते हैं कि जो पॉलीगन है वो दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड सेकेंड इज कॉनकेव पॉलीगन, ओके। उसके पहले ये एग्जाम्पल छोड़ गया, दिस इज एन एग्जाम्पल इन विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायगोनल, ठीक है। तो देखिए ये आपका फोर साइडेड फिगर है, 1 2 3 4, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी मैंने बताया था फोर साइड्स होती हैं तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, सो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें मैं डायगोनल बनाती हूँ तो कॉन्सिक्यूटिव नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती हूँ, सो दिस इज वन डायगोनल एंड दिस इज वन डायगोनल, दैट मीन्स 2 ही डायगोनल बन सकते हैं, आपको भी मैंने बताया दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ मैक्सिमम 2 डायगोनल्स बना सकते हैं, तो यहां भी मैंने 2 बना दिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। सो कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे डायगोनल्स उस पॉलीगन के अंदर होते हैं, इंटीरियर में होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसमें सारे डायगोनल्स उस पॉलीगन के इंटीरियर में होते हैं, अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ 3 डायग्राम देख रहे हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसमें ये दोनों डायगोनल इस पॉलीगन के इंटीरियर में है, अंदर है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसमें भी इसके 5 डायगोनल इस पॉलीगन के इनसाइड हैं। अब हम इसकी बात करें, दिस ये नहीं है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल तो पॉलीगन के अंदर है लेकिन ये डायगोनल पॉलीगन के बाहर है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, इसको भी कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट कम से कम एक डायगोनल उस पॉलीगन के बाहर ड्रॉ कर सके, ठीक है। ऐसा पॉलीगन
जिसमें कम से कम एक डायगोनल पॉलीगन के बाहर ड्रॉ किया जाता है उसको कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। तो ये एग्जांपल है कॉनकेव पॉलीगन का, ठीक है। ये डेफिनेशन भी लिखी है। कुछ और ज्यादा एग्जांपल देखिए कॉनकेव पॉलीगन के, तो ये है, ये भी है। देखिए इसमें डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूंगी, सो दिस एंड दिस, ये टू डायगोनल्स ये बना सकते हैं बिकॉज दिस इज अ फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल है ये। इसमें देख लीजिए कितने कितने साइडेड फिगर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन साइडेड फिगर है, मींस हेप्टागन है, ठीक है। इसमें आप कितने डायगोनल्स बना सकते हैं, तो आप यहाँ 7 रखेंगे, ठीक है, तो 7 × 4/2, तो 14 डायगोनल्स बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक डायगोनल आप देख रहे हैं ये, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये बाहर है, ये हमारे पॉलीगन से बाहर है ये डायगोनल, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। इसी तरह से यहां पर ये डायगोनल एक्सटीरियर में है पॉलीगन के, तो ये भी आपका कॉनकेव पॉलीगन है यहां पर ये। सो ये सारे एग्जांपल हैं कॉनकेव पॉलीगन के, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कॉनवेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।